No mola. Oh. शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनी वेडापुस्तकधारिणीमवयतां जाड्यान्धकारापहास्ते स्फाटिकमालिकां विदधते परमासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमानाय अधिगम्या महेश्वरा कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ॐ शान्ति 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 अथ अयन्तनपुंसकलिङ्गः अतो नपुंसकाच्च यस्येति च जस्सोऽसिः श्रीसर्वनामस्थानम् नपुंसकश्च जलचः मिदुचोऽन्त्यात्परः। यहाँ तो हुआ था ना, ज्ञान शब्द हुआ नपुंसक लिंग में। जल तो जैसे ज्ञान शब्द का हुआ उसी प्रकार से धना बन फल मूल मूला पत्र पुष्प ये सब चलेगा, ठीक है। मतलब अकारांत नपुंसक। उसके बाद आ रहा है कौतर शब्द। क्या आ रहा है? कौतर कौतर। हाँ पीछे गया था ना, डतर डतम सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम, वहां पर डतर प्रत्यय है ना, ठीक है। तो किम से ये डतरच प्रत्यय करते हो तो बनता है कतर शब्द। एक मिनट, ठंडा दे रहे हो, गरम नहीं मिलाए हो, मिलाना नहीं चाहिए। बस बस पर देखना आप चाहिए गरम कितना है, बिना देखे मिला रहे हो। चलो तो कतर शब्द आया है। क्या शब्द है? हाँ कतर। ये जो कतरा शब्द है इसके सरनाम संज्ञा हो जाएगी ना। कतरा का अर्थ दोनों में से कौन। जी कतर में से दोनों में से कौन। हाँ दोनों में से कौन ये पूछा जा रहा है, ये कतरा शब्द का अर्थ, ठीक है। हाँ दोनों में से कौन सी पुस्तक पढ़नी है कि नहीं, तो नपुंसक में करना है। तो कतरा प्लस क्या आया, सु। क्या है लिखो, कतरा प्लस सु। कतर प्लस सु। तो सु का क्या प्राप्त है मालूम है? पहले से सु का लुप प्राप्त है। समोर नपुंसकात क्या सूत्र है? हाँ समोर नपुंसकात सूत्र से कतर से जो सु है उस सु का लुप प्राप्त है, बराबर है। हाँ और उसका अपवाद कौन करता है? ओतोम। ओतोम से सु को अम प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? अम प्राप्त हुआ, बराबर है जी। है कि नहीं। और जो कतर धन अम आएगा द्वितीय का एक वचन उसको भी लिख दो, कतर प्लस क्या है? अम। ठीक है कतर प्लस अम। यहाँ पर भी अम को क्या प्राप्त है? पहले लुक अदर्शन,
अदर्शन हाँ, दोनों फिर से, अतम से अम को अम प्राप्त हुआ, हमको तो हमको लिख लो सु और अम को, सू और अम हमको अतोम सूत्र से, अतोम सूत्र से ओम आदेश प्राप्त है, अतोम सूत्र से ओम आदेश प्राप्त है, ठीक है, आदेश प्राप्त है, प्राप्त है, इतना समझ में आया। हाँ, उसका अपवाद करने वाला सूत्र आ रहा है, उसका अपवाद करने वाला सूत्र आ रहा है, अपवाद करने वाला, अपवाद करने वाला, बात करने वाला सूत्र। देखो कैसे, अद्र डतरादिभ्य पंचम्य पंचभ्य, अद्र डतरादिभ्य पंचभ्य, सूत्र में भी दो पद है, हैं तीन पद है, सूत्र में तीन पद है। पहला हो गया अद्र, हाँ, क्या है अद्र, हाँ डकार अद्र, ठीक है, ये हो गया क्या, हाँ प्रथमा का एक वचन लिखो, प्रथमा का, हाँ प्रथमा का एक वचन है ये, ठीक है ना जी। दूसरा है डतरादिभ्य, डतरादिभ्य पंचमी का बहुवचन क्या है, पंचमी का बहुवचन प्रातिपदि क्या होगा, डतरादि, जैसे हरि का हरिभ्य, डतरादि का पंचमी का बहुवचन है ना, डतरादिभ्य में डतरादि शब्द है, ये क्या मालूम है, डतरादि कहने से डतर से आगे, डतर जिसके आदि में हो उसको कहेंगे डतरादि, लेकिन पंचभ्य पांच बोल रहे हैं, डतरादि पांच गिनो, डतर डतम अन्य अन्यतर इतर, कितने हुए पांच, इसको बोलते हैं डतरादि पांच। डतरादि कहाँ पर आया, सर्वादि गण में, सर्वादिनि सर्वनामानि सूत्र में एक गण आया सर्वादि, सर्वादि गण, उस गण में पहला शब्द क्या है, पहला शब्द क्या है सर्व, ठीक है, उसके बीच में एक आया डतर, क्या आया डतर, क्या मालूम है प्रत्यय है, डतम भी प्रत्यय, सर्व विश्व उभय, आगे क्या है, सर्व विश्व उभ उभय डतर, सर्व विश्व उभ उभय डतर, ये डतर से आगे क्या है प्रत्यय है, डतर ही प्रत्यय है और डतम भी प्रत्यय, समझ में ना, ये प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहणम, क्या है प्रत्यय ग्रहण है, हाँ डतर से डतर प्रत्यंत शब्द लो और डतम से डतम प्रत्यंत शब्द लो, समझ में गए, हाँ लेकिन कितने को लेना है, पांच को लेना है, कितने को, पांच को लीजिए, ठीक है, हाँ अब समझेंगे भी, यह विधि सूत्र है, लिखो यह विधि सूत्र, हाँ यह विधि सूत्र है ना, यह क्या है विधि सूत्र, विधि सूत्र है, समझ में ना जी, अच्छा, और यह सूत्र अंग के अधिकार में है, यह सूत्र अंग के अधिकार में है, हाँ सुन रहे भाई, ठीक है ठीक है, अरे अनुवृत्ति आ जाएगी समोर नपुं सकात, सात एक तेईस ए पच्चीस, ये देखो दाया तरफ सूत्र है ना, समोर नपुं सकात है, वहां से नपुंसकात की अनुवृत्ति आ जाएगी, किसकी आएगी, नपुंसकात, नपुंसकात अंग होना चाहिए, नपुंसक अंग क्या होना चाहिए, नपुंसक अंग, लेकिन वो नपुंसक अंग कैसा हो, डतरादि पांच, क्या हो डतरादि पांच हो, बराबर है, और अनुवृत्ति आ जाएगी समो हो पूरी की आ जाएगी, लिखो लो इस सूत्र लिख लो, समो नपुंसकात की है,
समोर नपुंसकार सूत्र की अनुवृत्ति पूरी आएगी, अनुवृत्ति पूरी आएगी, आएगी, ठीक है, आएगी, हाँ, इसलिए सूत्र का अर्थ ऐसा है, इसलिए सूत्र का है, ऐसा है। आप पढ़ लेते हैं पहले, एभ्य क्लीवेभ्य समोर समोर अद्र आदेश स्यात्, अद्र आदेश स्यात्, अर्थ लिखो, दत्रादि पांच, दत्रादि पांच हैं शब्द स्वरूप, शब्द स्वरूप नपुंसक अंग से परे, नपुंसक अंग से परे सु और अम प्रत्यय को, सु और अम प्रत्यय को, सु और अम प्रत्यय को अद्र आदेश हो, अद्र अद में कितने बनना है, तीन, अद्र अकार दकार डकार कितने बनना है, तीन, तीन आदेश कौन हुआ, अद्र, हाँ, अ दकार डकार दो आधा ड भी आधा अद्र, क्या बोलेंगे, अद्र, तो सूत्र में आदेश क्या है, अद्र, स्थानी क्या है, स्थानी क्या है, किसके स्थान पर हो रहा है, सुअरम के स्थान पर, तो स्थानी कौन हो गया, सुअरम, समझ में आया। अब पूर्व निमित्त क्या है, नपुंसक अंग, नपुंसक अंग कैसा हो, यही पांच में से कोई हो, डतर प्रत्यंत, डतम प्रत्यंत, अन्य अन्यतर इतर, कितना हुए, क्या क्या है, केवल, हाँ ऐसा बोलो, हाँ प्रत्यंत अन्य इतर, क्या है पांच बोली, प्रत्यंत अन्य ये किस लिंग में हो, नपुंसक, हाँ नपुंसक लिंग में हो तो क्या होगा, से परे सु और अम के स्थान पर वो अदर आदेश होगा, ठीक है, ये अर्थ है, स्पष्ट है कि नहीं, जैसे आगे लिखो, जैसे कतर प्लस सु कतर, जैसे कतर प्लस सु है, और कतर प्लस अम दोनों चल रहा है ना, कतर प्लस सु कतर प्लस अम, ठीक है, कतर डतर प्रत्यंत है, कतर डतर प्रत्यंत है, क्योंकि कतर में जो तर दिखाई दे रहा है ना, है ना, हाँ ये डतर है, समझ में ना, और कतर नपुंसक लिंग में है, कतर यहाँ पर नपुंसक लिंग में भी है, ठीक है, इसलिए सु और अम को अदर आदेश होगा, सु और अम को क्या आदेश होगा, अदर आदेश होगा, तो सु का सकार था ना, तो उसके स्थान पर पूरा बैठ गया, ठीक है ना, हाँ, अदर का क्या रहेगा शेष मालूम है, क्या शेष रहेगा, अद रहेगा, क्या रहेगा, अद, हाँ, क्योंकि देखो आदेश है ना, आदेश कौन हो रहा है, अद्र, तो अद्र में जो अंतिम डकार है, अंतिम क्या है, डकार है, समझ में ना, उसकी इस संज्ञा होगी, क्या उसकी इस संज्ञा होगी, उसकी इस संज्ञा होने से क्या होगा, है लोप हो जाएगा, क्या है, क्या बोलो, बोलो किसकी, हाँ किस सूत्र से, अदर में जो अंतिम डकार है उसकी इस संज्ञा होगी, किस सूत्र से, हलंत्यम उपदेश अंत्यम हलिष्यात्, हलंत्यम सूत्र से अदर में जो डकार की डकार है उसकी क्या होगी, इस है, किस सूत्र से, हलंत्यम से, तस्य लोप से लोप होगी, आया समझ में, कितना रहा, अद रहा, अद, अद भी उपदेश है, अद भी उपदेश है कि नहीं है, अद अद जो रहा कि नहीं, ये भी उपदेश है कि नहीं, आदेश है ना, तो यहाँ पर जो दकार है उसकी संज्ञा क्यों नहीं होगी, क्या बोलो,
कोई बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं? क्या बोले? डकार चला गया तो कितना रहा? औद रह गया। जो दकार है ये भी अंतिम है कि नहीं? उपदेश अंतिम हलिष्यात, दकार की भी, दकार की भी इस संज्ञा हो जाए? क्यों नहीं होगी? बोलो क्या बोला? अंत से हाँ, क्या अगर टी संज्ञा होगी? टी संज्ञा की बात कहाँ कर रहा हूँ भाई? औद में दकार की हलंतम से इस संज्ञा होगी कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो क्यों नहीं होगी तो बोलो ना, नहीं होगी तो बात सही है, क्योंकि दकार दिखाई दे रहा है इसलिए नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अरे भाई देखो, उपदेश अंतिम कहा ना, अंतिम कौन था? अब दकार है क्या? दकार तो अंतिम नहीं ना, अंतिम कौन था? दकार था। यहाँ पर अंतिम दकार नहीं है, अंतिम कौन था? ड था। इसलिए दकार की क्या नहीं होगी? ये संज्ञा नहीं होगी। आप समझ में बात को? और दूसरा है कि नौ विभक्तो तुष्महा, क्या समझ में? तो विभक्ति है ना, सुविभक्ति थी, अब विभक्ति के स्थान पर अध आदेश हुआ है कि नहीं? इसलिए विभक्ति अध है तो उसमें दकार है कि नहीं? दकार तब वर्ग में आएगा, आएगा नौ विभक्तो तुष्महा से क्या होगा? निषेध हो जाएगा, दकार की संज्ञा नहीं होगी। आए कि नहीं समझ में? इसलिए कितना रहेगा? अध ही रहेगा। क्या रहेगा? अध ही रहेगा। समझ में कि नहीं आया? चलो, तो सु का सकार चला गया, अध बैठ गया, बैठाओ अध, अध बैठाओ। कितना रहा? कतर हाँ, कतर प्लस अध रहा, इतना आया आप लोगों को समझ में? जी। हाँ, ऐसा होने के बाद, ऐसा होने के बाद, ऐसा होने के बाद क्या प्राप्त है मालूम है? कतर प्लस अध, हाँ दोनों में अ है कि नहीं? क्या प्राप्त है? अतो गुण है, अतो गुण से पररूप एकादश प्राप्त है। क्या प्राप्त है? हाँ, पररूप एकादश तो प्राप्त है कि नहीं? और अकस्मण दीर्घ भी प्राप्त था, हाँ उसको बात करके अतो गुण प्राप्त होता है ना, कौन प्राप्त होता है? अतो गुण पररूप। अब एक सूत्र आ रहा, देख लो, सूत्र आ रहा है, ठीक है ना? जी। देखो क्या बोलते हैं, टे है, क्या है? नहीं सुनो, अतोगुण प्राप्त नहीं है, इसकी पद संज्ञा हो जाएगी ना, किसकी? कतर की पद संज्ञा हो जाएगी, किससे हो जाएगी मालूम है? क्या बोलो, पद संज्ञा होगी कि भ संज्ञा होगी? यची भम, असन्नाम तन है, भ संज्ञा हो जाएगी ना, एक मिनट रुको, भ संज्ञा होगी ना इसकी, हाँ भ संज्ञा हो जाएगी, भ संज्ञा हो जाएगी। चलो ठीक है, सूत्र देखो, टे है, टे है, हाँ भ संज्ञा होगी, पद संज्ञा नहीं होगी, भ संज्ञा, यची भम है ना, उससे भ संज्ञा। तो टे है सूत्र आ रहा है, तो एक ही पद है एकदम छोटा, मुझे मैं ये सबसे छोटा सूत्र है, ये टे है। तो टी शब्द का षष्ठी वचन टे है, लिखो, टी शब्द का षष्ठी वचन क्या है? टे है। टी शब्द का षष्ठी टे है, ठीक है ना जी? और यहाँ पर जो है भाई, हाँ इस सूत्र को समझो, दिति भस्यर टे लोपः, बोलो, दिति भस्य टेर लोपः, सूत्र में तो एक ही पद है, टे है मतलब क्या? टी के स्थान पर, और टी के स्थान पर क्या करना कुछ बताए ना, हर का टी को करना क्या है? चाय को पीना है कि रखना है कि क्या करना, क्या पता? टी बोलते हैं, टी मतलब क्या है? तो टी मतलब वो टी नहीं है, मालूम है टी क्या है व्याकरण में? संज्ञा। क्या संज्ञा? किसकी? ओचो अंत्यादि, अचा मध्य यो अंत, तट्टी संज्ञम से ये कहा। तो अनुभूति आ जाएगी, देख लो, दीति की अनुभूति आएगी है ना, किसकी आ जाएगी? दीति, ती विंशतिर दीति,
वहां से डिति के अनुभव ती विंशतिर डिति, क्या सूत्र ती विंशतिर डिति, इससे डिति की अनुभूति आती है ठीक है। और अल लोपो नह से लोप की अनुवृत्ति आती भैया, अल लोपो नह से लोपह की अनुवृत्ति आती है, अल लोपो नह हाँ आएगा आगे सूत्र आएगा, देखो सबसे नीचे सूत्र ना देखो लघु में है, अल लोपो नह है लघु में है, वहीं से लोप की अनुवृत्ति आ जाएगी ठीक है। हाँ वो हाँ हाँ क्योंकि चौथी से ना वहीं से आ जाएगी। और भाष्य का अधिकार है, किसका अधिकार है भाष्य का, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, किस सूत्र का अधिकार है भाष्य, अनुवृत्ति किसकी आएगी लोप और किसकी आएगी द्विती की आएगी ठीक है। अब क्या होगा सूत्र का अर्थ देखो, लोप लोप हो जाएगा किसका टी का, टेहे बोलते हैं ना टी का लोप होगा, किसका लोप होगा टी का, टी किस अंग का हो भस्य भ संज्ञक अंग का हो, अंग भ संज्ञा वाला हो, अंग कैसा हो भ संज्ञा जानते हैं यची भम, यची भम से जिसकी भ संज्ञा हुई हो, और उस भ संज्ञक अंग का जो टी होगा टी भाग उसका क्या कर देगा लोप कर देगा। आप पर में क्या चाहिए दीति, दित प्रत्यय हो, क्या प्रत्यय हो दित प्रत्यय, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप देखो क्या बोलते हैं है ना दिति भाष, ये तो आप लिख लो सूत्र का अर्थ लिखो, दित प्रत्यय पर रहते, दित प्रत्यय पर रहते, पर रहते भ संज्ञक अंग का, भ संज्ञक अंग का, अंग का टी भाग का लोप हो, टी भाग का लोप हो, लोप किसका लोप हो टी भाग का, टी भाग का लोप हो ठीक है भाई डी। हाँ क्या लिखा पूरा बोलो, डी प्रत्यय परे रहते भ संज्ञक अंग का टी भाग का लोप, जैसे आगे लिखो जैसे कतरा प्लस अध, कतरा पद कतरा प्लस अध ठीक है, अध शब्द डित प्रत्यय है ना, अध जो है डित प्रत्यय है, अध शब्द डित प्रत्यय है क्योंकि पहले डकार की संज्ञा थी, क्योंकि पहले डकार की इत संज्ञा, इस संज्ञा थी, इस संज्ञा थी कि नहीं थी हलंत्यम से ठीक है जी। और पूर्व अंग है कतर, पूर्व अंग कतर, पूर्व अंग कतर भ संज्ञा वाला भी है, भ संज्ञा वाला भी है ना ठीक है, भ संज्ञा वाला भी है हाँ, क्योंकि कतर की भ संज्ञा थी, क्योंकि कतर की किससे यची भाव से बराबर है, पर में आजादी प्रत्यय है ना, पर में आजादी प्रत्यय कौन है अद, और असन्नाम स्थान भी है, सन्नाम स्थान तो नहीं नहीं है ना, असन्नाम स्थान भी है और आजादी भी है, इसलिए कतर की क्या संज्ञा है भ संज्ञा बराबर है, तो भ संज्ञा हो गया कतर, उसका जो टी कौन है टी मालूम है रेफ उत्तरवर्ती अकार, कतर रेफ उत्तरवर्ती अकार टी है कि नहीं क्या बोलो है, अचा मध्य यो अंत ठीक तो है, तो फिर क्या टी संज्ञा किसकी होगी है, तकार उत्तरवर्ती नहीं रेफ उत्तरवर्ती, क त र अचा मध्य यो अंत, अंतिम अच कौन है वकारी है, क त र बोल रहा है ना वकारी अंतिम अच, समझ में कि नहीं, उसी की क्या होगी लेकिन वो तो किसी के आदि में नहीं है, तो अचा मध्य यो अंत स्व आदि और किसी के आदि में है
कतर में जो अंतिम अ है वो किसी के आदि में है क्या? वो तो सबके अंत में है, उसको तदादि कैसे कहोगे? हाँ, कल जो पूछ रहे तुम व्यपदेशी बाद भाव हो जाएगा। व्यपदेशी बाद नहीं बोलते हैं, व्यपदेशी बाद भाव जानते हैं आप लोग? अरे किसी का एक ही लड़कवा हो, है कि नहीं? काशी में ऐसे बोलते हैं, एक ही लड़कवा हो किसी का, देवदत्त का। हाँ, उसको बड़ा बोलोगे छोटा बोलोगे? हाँ, जैसे एक ही लड़कवा में ज्येष्ठत्व कनिष्ठत्व का प्रयोग होता है नहीं? इसी प्रकार एक ही वर्ण में क्या हो जाएगा? आदि का व्यवहार हो जाएगा, अंत का व्यवहार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये कतर में जो अ है वो अंत तो है ही, वो आदि भी वही है, तो इसे वही आदि है वही अंत। कौन है अनुराग? हाँ, जैसे तुम हो, एक ही हो कि नहीं? तुम एक ही हो, बड़का भी हो छोटका भी हो नहीं, और क्या? ठीक है ना, इसलिए कतर में अ की क्या हो जाएगी? पी संज्ञा। उसका क्या होगा? लोप, लोप होगा। समझ में आ गया? जी। तो लोप हो जाएगा तो रो आधा रहेगा, मतलब औत के साथ जोड़ दिया, कतरत क्या हो गया? कतरत, दकार है दकार, कतरत पूरा शब्द क्या रहा? कतरत। फिर देखो दो रूप दिया है, कतरत कतरत दिया कि नहीं दिया है? जी। क्यों दिया भैया? है बोलो है क्या है? बोले बोले बावसाना से चर हो जाए, बावसाना से विकल्प से चर करेंगे, किसको? दकार, दकार को चर कर देंगे हैं, तो तकार बैठ जाएगा। किसको? दकार को चर करने पर किससे? लिख दो, बावसाना से दकार को विकल्प से चर आदेश करने पर बावसाने सूत्र से दकार को विकल्प से चर करने पर, चर आदेश करने पर तकार होगा, तकार होगा। ठीक है, दकार होगा, दकार। ठीक है, ये दो रूप हो गया, कतरत कतरत, कतरत चर करने पर कतरत, चर आदेश न करने पर दकार थी, कतरत दो रूप हो गए। समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो, मैं वो देखो, कतर प्लस अत था कि नहीं? क्या था? कतर प्लस अत, रूप क्या बनना है? कतरत है, तो क्या हो जाएगा? अतोगुण लगा दो, क्या अतोगुण पर रूप लगा देंगे तो कतरत तो हो जाएगा क्या? तो टे सूत्र क्या हो गया? व्यर्थ हो गया कि नहीं हो गया? नहीं होगा क्या? अरे भाई सुनो, क्या क्या बोले? दो रूप की बात क्या है? कतरत तो बन जाएगा, केवल कतरत के लिए टेह शब्द है क्या? केवल कतरत रूप के लिए टेह शब्द नहीं है, टेह सूत्र नहीं है, बहुत जगह के लिए है टेह। समझ में कि नहीं? बहुत जगह के लिए, जैसे मान लीजिए पंचम आएगा, क्या आएगा? पंचम, देखो पंचम जानते हैं, पंचम पंचम पांचवा, देखो बताओ पंचम लिखो, लिखो लिखो, पंचन प्लस डट प्रत्यय, डट डट पंचन प्लस डट डट, और क्या? डट, हाँ डट का रहेगा अ, क्या रहेगा? डट का रहेगा अ, डकार की संज्ञा किससे? चुटू, टकार की संज्ञा हलंत्यम, तो क्या रहेगा? ओ, नहीं समझ में आ रहा है? क्या शब्द है? पंचन प्लस डट, डट का क्या रहा? और रहेगा, पूर्व में क्या है? पंचन, पंचन। ठीक है, तो पंचन शब्द की टी कौन है? ऑन है पंचन, टी कौन है यहाँ पर? पंचन होगा ऑन, चकार को छोड़ दो आगे को लो, पंचन, पंचन में ऑन होता है। ऐसे मनीषा है कि नहीं? मनस प्लस ईशा, गया कि नहीं गया? मनीषा, मनस प्लस ईशा, तो मनस में टी कौन है? अस, अरे अंतिम अच हो गया मनस का, अ न में अ है कि नहीं? वो जिसके आदि में हो ऐसा शब्द स्वरूप कौन है? अस, मनस में अस की टी संज्ञा होगी, ठीक है?
ठीक, इसी प्रकार से पंचन में किसकी टी संज्ञा होगी, हाँ अन की क्या होगी, टी संज्ञा हो जाएगी। और टी संज्ञा करने पर इस सूत्र लगेगा, टेहे लग जाएगा, पर में डित प्रत्यय कौन है, डट डट, तो डित प्रत्यय पर रहते पूर्व पंचन का टी कौन है, अन, अन को क्या करो लोप कर दो है, तो क्या रहेगा, पंच चकारांत, और आगे अ को जोड़ दो, है ना, आगे मोट आगम भी हो जाता है, अच्छा मोट आगम भी होता है, ठीक है, हाँ तो पंचमा बन जाता है, फिर क्या होता है, पंचमा, ठीक है, पहले बोला पंच है कि नहीं, और अ के आदि में मकार बैठ गया तो क्या बनता है, पंचमा, क्या बनता है, हाँ पंचमा बन जाता है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलो ये सूत्र व्यर्थ नहीं है, तो कतरत कतरत हो गया भाई, हाँ मूल शब्द क्या है, कतर, कतर प्लस औ, लिखो आगे, कतर प्लस औ, कतर प्लस औ, ठीक है, कौन सा लिंग चला रहे हो, नपुंसक, तो क्या यहाँ देखो ज्ञान शब्द का क्या था, ज्ञाने, कतर का क्या बनेगा, कतरे, कैसे बन गया, नपुंसकाच, नपुंसकाच सूत्र से ओ को क्या होगा, सी, क्या आदेश हुआ, किसको, किसके सूत्र, किस सूत्र से, सी का क्या रहेगा, ई, कतर प्लस ई दीर्घ कर है, फिर आद गुण लगाने पर कतरे, कतरे मतलब क्या अर्थ है, दोनों में से कौन, ये अर्थ है ना, कतरे। उसके बाद कतर प्लस जस करो, कतर प्लस जस जस, ठीक है, कतर प्लस जस है, दस को क्या आदेश होता है, सी, सी का ई रहेगा, सी का ई रहेगा, मालूम है, हाँ तो जो सी था उसकी सन्नाम स्थान संज्ञा होती है, होती है सी सन्नाम स्थानम, सी सन्नाम स्थानम से जस के स्थान पर जो सी आदेश हुआ है उसको क्या बोलेंगे, सन्नाम स्थान। अब पूर्व में अंग कौन है, कतर, अजंत है, अजंत है, सन्नाम स्थान पर रहते पूर्व अजंत नपुंसक हो उसको क्या आदेश होता है, मालूम है, हाँ नुम, नपुंसकस्य जलच, देखो लिखा है नपुंसकस्य जलच, ज्ञानों का क्या बना था, ज्ञानानी, कतर का कतराणी, कैसे बनेगा, देखो कतर प्लस ई है कि नहीं, आगे कतर को नुम आगम होगा, क्या हुआ, नुम, नुम का क्या रहेगा, नकार, नकार रहेगा, किसके पर में नकार होगा, कतर में जो अंतिम अ है, अंतिम अ के बाद में नकार को बैठा लो, है ना, आगम है ना, आगम होने से अ को नहीं हटाएगा, पास में बैठ जाएगा, बोलते ना भाई चलो थोड़ी सी जगह देते बैठ जाऊंगा, बोलते कि नहीं, जो उदन व्यक्ति वो भले ही उठाएगा कि नहीं, शिष्टाचार व्यक्ति, शिष्ट व्यक्ति उसको बैठा, हाँ पास में थोड़ी सी जगह दे दो बोलेगा, है कि नहीं, चलो फिर क्या हुआ, कतरन क्या है, कतरन, कतरन प्लस ई, हाँ अंग कौन हो गया, कतरन, नकारांत जो कतरन ये होगा अंग, नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ होता है, बराबर है, सर्वनाम ताने चा संबोध, लिखो सर्वनाम ताने चा संबोध से कतरन में जो र में अ है कि नहीं, वो उपधा है, उसको दीर्घ करने पर क्या बनेगा, कतरान, आगे ई, बराबर है, नकार को फिर अणकार, अटकुपांगनम वाई, तो क्या बन गया, कतराणी, आएगा समझ में, विभक्ति हो गई कि नहीं हुई, बोलो क्या हुई, कतरात कतरात कतरे कतराणी, विभक्ति हुई ना प्रथमा, ठीक है, द्वितीय विभक्ति भी इसी प्रकार हो जाएगी ना, बोलो द्वितीय विभक्ति क्या होगी, कतरात कतरे कतराणी, लेकिन संबोधन देखो, संबोधन है ना, देखो पुस्तक में दिया है ना, हे कतरत, बोलो
शेषम पुनवत, शेषम पुनवत, हे कतरत बनेगा। कतरा प्लस क्या है? सु, सु संबोधन है ना। हे कतरा आगे क्या है? सु, सु। तो सु को क्या आदेश हुआ? अदर हुआ ना, अदर डतरादेभ्य पंचाभ्य से क्या हो गया? हाँ, अदर का अद रहेगा, क्या रहेगा? अद रहेगा, बराबर। हाँ, फिर क्या हुआ? टेह से लोप हो गया, क्या? टेह से लोप हो गया। तो लोप हो गया तो कितना रहा? कतरत, कतरत और क्या, कतरत हो गया ना। और क्या, रेफाओ जो अ था ना उसका लोप हो गया, क्या क्या बन गया? कतरत। सुन रहे हो कि नहीं? यहाँ तक आ गया। अब दकार का लोप नहीं होगा हलग्याभ्य से, क्या वो क्या बोलता है? हाँ, सूती से सू का सकार होना चाहिए। ये सू का सकार है क्या? ये दकार है ना, क्या दकार है, इसलिए लोप नहीं होगा, नहीं होगा ना। क्या बनेगा? हे कतरत आ गया। शेषम पुनवत, पुनवत कहने से क्या पुलिंग की तरह होगा। कतरत शब्द पुलिंग में जैसा हुआ है ना, नपुंसक में भी कतरत का रूप ऐसा होगा। समझ में आया ना? बोल पाएंगे? किसकी तरह चलेगा आगे? आगे राम की तरह नहीं, सर्व की तरह चलेगा। किसकी तरह चलेगा? सर्व शब्द की तरह चलेगा। लिख लो, हाँ लिखो लिखो जल्दी, है ना। तृतीया से कतरत शब्द का रूप, कतरत शब्द का रूप है ना, पुलिंग सर्व की तरह चलेगा। पुलिंग सर्व की तरह चलेगा, हो गया ना। तृतीया से बोलो, सर्व को याद रखो, याद है ना। बोलो, कतरेण कतराभ्याम कतरैहि, चतुर्थी एक वचन में। कतरस्मै, सर्व का क्या बनता है? सर्वस्मै। कतर का कतरस्मै, कतराभ्याम कतरेभ्य, चतुर्थी हो गई। हाँ, पंचमी क्या होगा? सर्व का क्या बनता है? सर्वस्मात। कतर का दो रूप, तकार दकार, कतरस्मात कतरस्मात कतराभ्याम कतरेभ्य, पंचमी हो गई। षष्ठी बोलो, कतरस्य कतरयोः कतरेषां, सर्व का क्या बनता है? सर्वेषां। कतर का कतरेषां, इतना हुआ। और सप्तमी एक वचन, सर्व का सर्वस्मिन्, कतर का कतरस्मिन्, फिर कतरयोः कतरेषु, हो गया संबोधन, तो हो गया। हे कतरत, हे कतरत, हे कतरे, हे कतराणी, हो गया। एवं कतमत, बोलो एवं कतमत, एवं कतमत, उसी प्रकार कतम शब्द का रूप भी होगा। लिखो, कतम शब्द डतम प्रत्यांत है, कतम शब्द डतम प्रत्यांत है। कौन सा प्रत्यंत है? डतमा प्रत्यंत है, ठीक है। इसलिए इसका रूप कतर की तरह होगा, कतर की तरह होगा, ठीक है। इस प्रकार इतर का भी होगा, किसका? हाँ हाँ, चलो इतर का चला पाएंगे ना। बोलो, इतर का अर्थ क्या है? दूसरा। इतर का अर्थ दूसरा, ठीक है। लिखो, इतर का अर्थ दूसरा। इतरत, इतरत, इतरे, इतराणी, इतरत, इतरे, इतराणी, फिर इतरेणा इतराभ्याम इतर ही बनेगा ना। इतरस्मै इतराभ्याम इतरेभ्यः
इतरस्मात् इतरस्मात् इतराभ्याम् इतरेभ्यः इतरस्य इतरयोः इतरेषाम् इतरस्मिन् इतरयोः इतरेषु हे इतरात् हे इतरात् हे इतरे हे इतराणि। आज समझ में कि नहीं आया? संबोधन में दो रूप बनेगा ना सु में। हाँ हे इतरात् हे इतरात्। हाँ बोलिए बोलिए। कतर नहीं कतरे ही भी नहीं हो कतरे ही भी नहीं कतरे भ्यः बहुवचन है कतरे ही तृतीय का बहुवचन है कतरे ही। हाँ चलो हो गया। उसके बाद क्या है? अन्य अन्य। हाँ तो अन्य शब्द है। क्या शब्द है? अन्य। बोलो अन्य कौन शब्द है? अन्य कता डतर डतम अन्य अन्य तरह है ना। इतर को क्यों जोड़ दिया फिर? एक मिनट रुको। डतर डतम अन्य फिर इतर को पहले क्यों दिया फिर? एक मिनट रुको। इतर को पहले दे रखा है ना। एक मिनट रुको। ओ, देखो तो अन्य है ना। देखो डतर डतम है कि नहीं? क्या है डतर डतम के बाद क्या है? नहीं डतर डतम के बाद कौन शब्द है? अन्य है। लेकिन आपके यहाँ कह दिया क्या दिया है? पहले इतर दिया है। इतर पहले दिया जी। इतर दे दिया। इतर इतर देने का अभिप्राय क्या है? देना चाहिए था अन्य को ना। इतर को देने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि सर्वाधिक गण में डतर डतम के बाद क्या है? अन्य अन्य शब्द है जी। उसके बाद अन्य तरह है जी। उसके बाद इतर है जी। तो यहाँ पर पहले दे दिया है कि नहीं? डतर डतम आ गया। कतम शब्द डतम है। डतम प्रत्यंत है। उसके बाद क्या शब्द है? अन्य होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? नहीं समझ में आया? नहीं क्या शब्द होना चाहिए? अन्य होना चाहिए ना। लेकिन पुस्तक में दिया है इतर शब्द दिया है है ना। है इतर है कतम की तरह से देगा और जो आगे अन्य तरह है इसे कुछ अलग होगा। क्या अलग होगा? अलग तो कुछ नहीं है। अलग कहाँ है? अलग तो कुछ नहीं ना है। अन्य है कुछ ऐसा तो नहीं है। कहाँ वार्तिक है? वार्तिक तो एक तरह के लिए है। चलो बाद में देखूंगा क्यों दिया देखते हैं। ठीक है तो इतर शब्द आ गया। क्या शब्द आया? इतर। समझ में ना। चलो इतर भी इसी की तरह होगा क्या? क्योंकि इतर की सर्वाधिक सर्वा सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। तो चलो इतर चला चला दिए क्या? हाँ। उसके बाद देखो अन्य शब्द है। उसके बाद अन्य शब्द है हो गया ना भाई। अन्य शब्द भी किसकी तरह होगा? इसी की तरह। जैसे कतर शब्द आ गया है ना उसी की तरह किसका होगा? अन्य का भी होगा। तो चलो अन्य मतलब क्या? भिन्न भिन्न। तो अन्यत अन्यत अन्य क्या है? अन्यानी। गुणत्व नहीं होगा। गुणत्व नहीं होगा। हाँ शायद इसी के लिए देता होगा। इतर शब्द का इतराणी। कतर जैसा चला इतर का भी ऐसा चला। इतराणी कतर का कतराणी अन्य का हाँ न नहीं होगा शायद इसलिए देता होगा। और भी कोई प्रयोजन हो तो देखेंगे। ठीक है हाँ बोलो। अन्यत अन्यत अन्य अन्यानी अन्यत अन्यत अन्य अन्यानी अन्येना अन्याभ्याम अन्य ही अन्यस्मै अन्याभ्याम अन्येभ्य अन्यस्मात् अन्यस्मात् हो गए क्या? हो गए नहीं हुए ना? हो गए क्या? चलेगी ना?
अन्यस्मात् अन्यस्मात् अन्याभ्याम् अन्येभ्यः अन्यस्य अन्ययोः अन्येषाम् अन्यस्मिन् अन्ययोः हे अन्यत् हे अन्ये हे अन्यानि हो गया। चलो भैया उसके बाद क्या है? अन्यतर ठीक है। तो अन्यतर भी इसी के तरह होगा या क्या? अन्यतर भी इसी के तरह हो जाएगा, हो गया ना। हाँ चला दो फिर भी। अन्यतरे अन्यतराणि अन्यतरस्मै अन्यतराभ्याम् अन्यतरेभ्यः अन्यतरस्मात् अन्यतरस्मात् दो रूप होगा ना भाई पंचमी में दो रूप बोलो अन्यतरस्मात् अन्यतरस्मात् अन्यतराभ्याम् अन्यतरेभ्यः अन्यतरस्य अन्यतरयोः अन्यतरेषाम् अन्यतरस्मिन् अन्यतरयोः अन्यतरेषु हे अन्यतरत् हे अन्यतरत् हे अन्यतरे हे अन्यतराणि ये समो हो गया अभी घड़ी भाग जाती है। ओम नृत्ता नृत्तावसाने नटराज राजो नटराज भक्तां नव पञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सन्निपादसिद्धाने तद्विमर्शे शिवसूत्रयानम् ओम शान्ति शान्ति शान्ति।